अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे आप? मैं हूँ आपका दोस्त शेफ अल्ताफ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब टेस्ट के लिए और डिफरेंट तरीके से रेसिपी लेके आए हैं। हम बनाएंगे आज रेशमी कबाब। रेशमी कबाब बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन हम बनाएंगे चिकन में। रेशमी कबाब जो होता है अक्सर चिकन का ही बनता है, और हम जो तरीक़ेकार बनाएंगे ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल है और बहुत ही ज़बरदस्त और यमी टेस्ट है। आप बनाएंगे तो वाकई बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम बनाते हैं प्रोसीजर का आगाज़ करके बनाते हैं रेशमी कबाब। अभी देखिए कैसे बनता है। रेशमी कबाब बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार है हम आपको बता देते हैं कितनी कितनी हैं और क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है कीमा। ये चिकन बोनलेस का कीमा है विदाउट फैट, फैट नहीं है इसमें। ये हमारे पास है 1 किलो। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है खोपरा पाउडर, सोका जो खोपरा होता है कोकोनट पाउडर, वो है हमारे पास। पाउडर नहीं है, क्रश होता है ये, आप सभी जानते होंगे कोकोनट। ये हमारे पास 1 टेबल स्पून है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और ये हमारे पास जो है गरम मसाला मिक्स पिसा हुआ, ये हमारे पास है 1 टीस्पून। हसब ज़रूरत सॉल्ट, अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट, ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून। और ये हमारे पास है हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये 1 टीस्पून है। यहाँ पे हमारे पास है ये धनिया और पुदीना, दोनों मिक्स करके हमने फाइन चॉप किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास कीमा ऑलरेडी किया हुआ है तो हम इसलिए इसको चॉप कर सकते हैं, चॉप कर किया है हमने। तो ये दोनों मिक्स है, धनिया और पुदीना 1/2। और धनिया पुदीना जो है तो ये तकरीबन हम थोड़े थोड़े से पत्ते लेके दोनों को मिक्स किया हुआ है, दोनों का, धनिया और पुदीना का। आप आधी गड्ढी से भी कम ले सकते हैं दोनों। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 3 ऑनियन, प्याज हैं साबुत, ये हम इसको अभी आपको दिखाएंगे, ग्राइंड में पीस के छनी करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमारे यहाँ पे प्याज हैं जो हम इसको काट लेंगे बारीक बारीक। हमारे जो ये प्याज जो हमारे हैं यहाँ पे कट चुके हैं, तो हम इसके इसमें ब्लेंडर में ऐड करेंगे इसको। इसके बाद हम इसको अभी ग्राइंड करेंगे बगैर पानी के, आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। अगर इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये ऑलरेडी पानी होता है तो ये ब्लेंड हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पे ये ब्लेंड हो चुका है अच्छे तरीके से, ये ब्लेंड हो चुका है। और अब हमने एक बॉल लेना है, उसमें एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लें आप जो जिसमें हम छानी करेंगे, और इसमें डाल दें। इसके बाद हमने इसको निचोड़ना है, यहाँ पे कपड़े में डाल के इसका सारा पानी निकालना है। हमने यहाँ पे इसको देखें निचोड़ लिया है, और ये देखें यहाँ पे ड्राई हो रहा है, और उसके बाद इतना पानी हमारे पास निकला है। ये देखें बहुत ज़्यादा पानी होता है प्याज में, तो हाँ आप ये प्याज ऐसे ही ब्लेंड करके इसमें ऐड ना करें, क्योंकि पानी होगा तो आपका कबाब जो होगा अच्छा नहीं बनेगा। आप ऐसे इसको निचोड़ लें, ड्राई कर लें, पानी खुश कर लें इसका। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने निचोड़ लिया है, उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हम इसमें, हरी मिर्ची का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च, कोकोनट पाउडर, काली मिर्च पिसी हुई, और लास्ट में हमारे पास ये दो धनिया और पुदीना दोनों पिसे हुए चॉप किए हुए थे, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो सॉल्ट बचा हुआ है वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमने जो यहाँ पे कीमा लिया था बगैर विदाउट फैट था, इसमें फैट नहीं थी। तो आप में अक्सर सीख कबाब में जो होता है या रेशमी चिकन का हो, उसमें फैट इस्तेमाल किया जाता है, बीफ का जो अंदर का फैट होता है साफ़ सुथरा, तो हम इसमें फैट नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो फैट ऑलरेडी नुकसान भी देता है, तो हम उसकी जगह पर ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम। ये हमारे पास क्रीम है, तो हम इसमें डालेंगे 3 स्पून। और यहाँ पर ये देखिए हम डालेंगे 3 चम्मच। और ये हमारा यहाँ पे लास्ट है, हम इसमें डाल देते हैं, ये 3 हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से, और कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है। और अभी हम इसको रखेंगे फ्रिज में, तकरीबन हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देते हैं, ताकि ये फुल ठंडा हो जाए। कबाब कोई सा भी हो, सीख कबाब हो, रेशमी हो, कोई सा भी हो,
उसको फ्रिज में रखना लाजमी होता है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर हम सीख पे भरा जाए, या सीख हो, स्टिक हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसके बाद हम इसमें आपको दिखाएंगे कैसे भरा जाता है और क्या तरीकाकार होता है और ग्रिल करने का। तो अभी हम इसको लो एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। आप फ्रिज में कोई चीज़ भी रखें तो उसको ढक करके रखें, क्योंकि फाइल हमने इस पर लगा दिया है तो उसमें जो दूसरी चीज़ें भी पड़ी होती हैं उसकी स्मेल नहीं आती है इनमें। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे पंच कर देंगे ताकि ये इसमें जो एयर ठंडक हो वो इसके अंदर जाती रहे। ये जो हमारा कबाब है, रेशमी कबाब, ये ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखें, ज़बरदस्त हो चुका है। और उसके साथ हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसको पानी का क्या करेंगे, हमने हाथ गीला करना है। और यहाँ पे हमारे पास स्टिक हैं, हम स्टिक में डालेंगे। अगर आपके पास सीख हो, अवेलेबल हो, तो आप सीख से भी भर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे स्टिक में डालेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, आपने हाथ गीला करना है हल्का सा ताकि ये कीमा जो नरम होते हैं आपके हाथ पे ना चिपके। और उसके बाद यहाँ पे आपने छोटा सा बॉल लेना है, इतना सा, बहुत ही छोटा लेना है, ज़्यादा नहीं, ये देखें इतना सा। और यहाँ पे इसको सबने स्टिक डालनी है और ये देखें ईज़िली हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये तीन उंगलियाँ ऐसे, ये ऐसे, ये देखें हमारा बन चुका है ये। और एक दूसरा भी हम ऐसे ही लगाएंगे इसके ऊपर, यहाँ से एक वो लेंगे बॉल और उसके बाद फिर हम इसी में डालेंगे और ये बनाएंगे इसको पतला सा, जितना पतला होगा उतना अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने जो है तीन स्टिकों में भर लिया है, बना लिया है, ये देखें बहुत ही गोल गोल और सब एक जैसा बनाया है, ये देखें यहाँ पे। अभी हम इसको ग्रिल करेंगे और यहाँ पे हम इसको ग्रिल करेंगे। ये हमारी ग्रिल है और नीचे जो आग है हल्की है, कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगी तो ये जल जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे ये देखिए हम इसको भी रख देते हैं, जैसे भी हल्का हल्का होता जाएगा हम इसको चेंज करते जाएंगे स्टेप बाई स्टेप। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का कलर उतारना है इसका, ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा कलर हम दिखाएंगे आपको कैसे निकालना है। और ये यहाँ पे हमारे जो हैं रेडी हो चुके हैं, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, और कलर देखें काले नहीं हुए और बहुत ही अच्छे हैं। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। और यहाँ पे हमारे ये रेशमी कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं, और आप बनाएं, जाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।